गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आज मैं आपको सामने सपन की पाठ का सार समझा रही हूँ। आप ध्यान समझोगे और इस मैसेज को अच्छी तरह पढ़ोगे। फिर सामने सपनों की याद जाकिर हुसैन द्वारा लिखे संस्मरण है। यह एक संस्मरण है, इसको जाकिर हुसैन ने लिखा है। जाकिर हुसैन का जन्म 1945 ग्राम नवीन है। सामने सपनों की यादें जाकिर
यह संस्करण जून 1987 में शाली वाली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया। शाली वाली की मृत्यु में मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने शाली वाली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। वे पक्षी विशेषज्ञ थे और पर्यावरण के प्रेमी थे। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सामने सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे शाली मणि है। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफर है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए पक्षी को कोई जाना भी नहीं चाहेगा। शाली वाली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नजर से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे उनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की लड़ाई की और कब मधुर स्वर में वंशी बजाई कि वृंदावन संगीतमय हो उठा। पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद दिला देता है। कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण की यादें हमेशा बसी रहती हैं। कमजोर शरीर वाले शाली मणि की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत कैंसर से हुई। शाली मणि की मृत्यु कैंसर से हुई। वो 100 साल की उम्र के थे। उस उम्र में भी उनकी आंखों में की ज्योति बहुत अच्छी थी, या रोशनी बहुत अच्छी थी, जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। शाली मणि प्रसिद्ध वंड वाचर थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हस्ती खेलती रहस्यमय दुनिया थी, जिसे उन्हें अपने जीवन संगनी तहमीना की मदद से बनाई थी। उन्होंने यह दुनिया अपनी जीवन संगीत तहमीना की मदद से बनाई थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ पर्यावरण प्रेमी थे। वे पक्षी प्रेमी तो थे ही, और पर्यावरण के प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान तथा रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उनकी चिंता देख मिट्टी की सोंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखें भर आई। आज वे
चौधरी चरण सिंह जिंदा नहीं है और न पर्यावरण प्रेमी सारी मनी ऐसे हैं प्रकृति प्रेमी पर्यावरण प्रेमी पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सारी मनी की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार डी एच लॉरेंस की कृति के बाद की बात याद आ गई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने इसे अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। इस तरह लॉरेंस और सभी सारी बड़ी दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली एक गौरैया उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई। उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे। प्राकृतिक रहस्य को जानने के लिए नित नई ऊंचाइयाँ छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नासमझी जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। सारी मनी आजीवन भ्रमण सीख गए। उनकी यायावरी देखकर लगता है कि वे आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाकर जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे ना सभी मनी। यमुना नदी का सांवला पानी व्यक्तियों को कौन कौन सी यादें ताजा कर देता है। वृंदावन में यमुना नदी का सांवला पानी यात्रियों को कृष्ण से जुड़ी अनेक यादों से तरोताजा कर देता है। जैसे यमुना के किनारे अनेक लीलाएं श्री कृष्ण ने की थी। श्री कृष्ण ने ही गोपियों के साथ रासलीला भी की थी। इसी यमुना के किनारे छायादार कदम के पेड़ की छाव में आराम करते हुए कृष्ण बंसी बजाया करते थे। कृष्ण बालों के साथ मिलकर यही माखन चुरा कर खाया करते थे। वृंदावन की सुबह अन्य स्थानों की सुबह से किस प्रकार भिन्न है। सनी बनी लिखती है कि शाम को वृंदावन में सुबह के समय ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कृष्ण कहीं से आ जाएंगे और बंसी बजाएंगे, जिसे सुनकर ब्रज के लोगों में के कदम जहां के कहां टिपक जाएंगे। लोग कृष्ण द्वारा बंसी बजाना अब भी भूले नहीं है, जबकि अन्य स्थानों पर सुबह सुबह ऐसा महसूस नहीं होता है। आपको वृंदावन में माली क्या करता है और क्यों? शाम को वृंदावन में माली यात्रियों को चेतावनी देता है कि अभी कृष्ण किसी कोने से आ जाएंगे और बंसी बजाएंगे। उनकी मुरली का जादू सब पर छा जाएगा, क्योंकि आज भी लोगों में मुरली की यादें तरोताजा हैं। सनी बनी दूरबीन का प्रयोग क्यों करते थे? उनकी नजरों की विशेषताएं क्या हैं? सनी बनी प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। वे पक्षियों पर खोज में दूर दूर तक दुर्गम स्थानों पर जाया करते थे। दूर बैठे पक्षियों के शिक्षण निरीक्षण के लिए वे सदैव दूरबीन का प्रयोग करते थे।
सलीम अली की दृष्टि पाकी थी, उनकी नजरों में विपत्ति की बांध देने आने जाती था। उनकी नजरें शीश और आसमान दोनों पर रुक जाती थी। आप यात्री होंगे और उसके बाद आपके अंदर टेस्ट भी होंगे, क्योंकि अगर आप